हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम कुलवंत कौर है और जे दौल कला गांव के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही जे कि 18 साल हो चुके थे कि इनको गैंठिए की प्रॉब्लम थी, जिससे जे बहुत परेशान हो चुके थे और बहुत सारी जे सिस्टर ने मेडिसिन भी खाई थी और फिर भी जे गैंठिए की प्रॉब्लम से अच्छे नहीं थे हो पा रहे, जे बहुत परेशान थे। और हम क्योंकि जैसे ही इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी कराई थी, सबसे पहले हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे जिसमें इनकी पहले जो गैंठिए की प्रॉब्लम थी स्पोर्ट्स में आई थी और जिसे जे उस समय से लेकर आज तक जे मेडिसिन खा रहे थे। और जे सिस्टर प्रभु के ऊपर बिलीव तो करते थे, विश्वास भी करते थे और संगति पर आते थे, पर जैसा मान जैसा विश्वास परमेश्वर को हमें देना चाहिए वैसा विश्वास जे दे नहीं थे पा रहे। और जैसे जे पिछले संडे 4 जुलाई को संगति में आए, तो जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और हम सबसे पहले उस क्लिप को देखेंगे। चाहे वो गैंठिए के रोगी क्यों ना हो, उन्होंने धन्यवाद करना है, यस परमेश्वर आप मुझे चंगा कर चुके हो। उन्होंने रोज धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने मुंह से जीवित बलिदान करके जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान वो चढ़ाओ। अपने बलिदान चढ़ाने बहुत से लोग आज भी अच्छे हो जाएंगे। प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे दुखियों बीमारियों के लिए, तो सिस्टर ने उसी दिन पूर्ण मन से रिसीव किया कि जे गैंठिए की प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। जैसे जे सिस्टर रिसीव कर गए और उसके बाद जे सिस्टर ने रिपोर्ट्स कराई और आज हम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे कि इनके गैंठिए की जो रिपोर्ट्स है बिल्कुल नॉर्मल आई है। क्लेसिया हम सब तारीफ करेंगे कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको टोटली फ्री कर चुके। सुनो सुनो सुनो, और ये छोटी गवाही नहीं है, बोलो क्या है, 18 साल से कोई इंसान इस बीमारी में जूझ रहा है और इन्होंने बहुत सी मेडिसिन भी खाई। बहुत मेडिसिन भी खाई। और मेरा बेटा है बलजीत सिंह, तो उसका मतलब साला आया तो उन्हें ना मैंने फोन किया कि मम्मी जी वो ना दवाई मैं उन्होंने पूछा तो तुम उन्होंने को पूछ लियो भी किदा खानी है, तो खानी जरूर है। मैं ठीक है बेटा मैं खा लूँगी, मेरे वास्ते तो कोई जहर हो तो मैं वो भी खा सकती हूँ, पर परमेश्वर महान है जिन्हें मैनू अज तक बचा के रख्या वै, दवाई तो बगैर मैं रह नहीं हाँ सकती। पर मेरी चाहत यो सी परमेश्वर जी अगे मैं खूंडी ताडे पवन च छी, हुण भी मेरी दवाई जिहड़ी है ना तुहाडे पवन च खत्म हो चुकी है। मैं कितनों को पता इन्होंने कितने सुनो 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 कितने लोग इन्हें जानते हैं कि जब जे पहले भवन में आया करते थे इनके हाथ में खूंडी होती थी, क्या होती थी, और ऐसे ही मैं प्रेयर हीलिंग कर रहा था और एक दिन इन्होंने ऐसे रिसीव किया और मन बनाया कि आज से मैंने उस खुंडी को पकड़ना नहीं। और उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने उस खुंडी को नहीं पकड़ा। क्या नहीं पकड़ा, क्योंकि गैंठिए की बीमारी के कारण ये खुंडी के साथ चलते थे, पर उस दिन जब मैंने ऐसे प्रेयर हीलिंग कर रहा था तो इन्होंने ऐसी चाहत अपने मन में की और विश्वास किया कि आज से मैंने खुंडी को नहीं पकड़ना। हाँ, पहले खुंडी छूटी और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से उस दवाई से भी क्या दे दिया, छुटकारा दे दिया। हाँ, आज उस पहले खूंडी से छुटकारा दिया, आज जो इतने सालों से इतनी मेडिसिन खा रहे थे आज उससे भी क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। क्या मिल गया, क्योंकि आज इनकी ये रिपोर्ट गैंठिए की क्या आई है, क्या आई है, नेगेटिव, कोई गैंठिया नहीं। बोलो क्या है, कोई गैंठिया नहीं है उसमें। हमारा परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें कहा कि मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस काश और पृथ्वी को बनाया और हे मनुष्य तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा
चाहे गैंठिया हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए इस दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं है। इसलिए विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को उनके जीवन में क्या करेगा, करेगा, क्या करेगा, सब विश्वास करने वालों के साथ वो परमेश्वर ऐसा ही करेगा। इसलिए इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे, दिल से, दिल से, हालेलुया, दिल से सब तारीफ करेंगे, दिल से, दिल से।